इस समय की वड्डी खबर लुधियाना तो सामने आ रही है, जिथे पुलिस ते गैंगस्टर विचाले गोलीबारी हुई है। तो इस गोलीबारी दे विच पुलिस दे वल्लों जो जवाबी कार्रवाई की गई तो दो गैंगस्टर दे मारे जाण की खबर सामने आ रही है। लुधियाना के टिब्बा इलाके विच पुलिस ते गैंगस्टर विचाले गोलीबारी होने की खबर सामने आई है। जानकारी मुताबिक कारोबारी संभव जैन नाल जिहड़ी लुट हुई सी उस किडनैपिंग केस नाल संबंधित ने यह गैंगस्टर। इस मामले की जानकारी मिलने तो बाद लुधियाना पुलिस गैंगस्टर का पिछा कर रही थी। लुधियाना नेड़े दोराहा विखे गैंगस्टर और पुलिस विचाले गोलीबारी हुई। इस मुकाबले में दो गैंगस्टर जिन्हों के नाम शुभम और संजीव दसे जा रहे हैं, ये दोनों गैंगस्टर मारे गए हैं। जबकि पंजाब पुलिस के एक ASI सुखदेव सिंह भी इस गोलीबारी के जख्मी हुए हैं। तुहानू दस दिए कि हाल ही च लुधियाना च कारोबारी संभव जैन तो उन्हां दी कार लुटी गई सी। कुछ दिन पहला संभव जैन नू धमकी भी मिली सी। इस मामले विच पुलिस हुण तक पंज गैंगस्टर नू जिन्हां दे नाम जतिन, परमजीत, मंतोष कुमार, आदित्य शर्मा अते मनीष कुमार नू इस केस गिरफ्तार कर चुकी सी। ते इन्हां दो दा एनकाउंटर कर दिता गया। मुलजमान विच कारोबारी दा ड्राइवर भी शामिल सी जिस नू करीब 4 महीने पहला ही नौकरी तो कढ दिता गया सी। पुलिस मुलजमान नू फड़न लई लगातार कोशिशां कर रही सी, जिस लई उत्तर प्रदेश अते बिहार विच भी टीमां भेजियां गईयां सी। कारोबारी तो लुट्टी गई कार उत्तराखंड च बरामद हुई सी। दस दी कि 17 नवंबर नू 7 गैंगस्टर ने लुधियाना दे होजरी कारोबारी संभव जैन नू किडनैप कर लिया सी। जदों इन्हां दा पिछा पुलिस दे वल्लों कीता गया सी तां गैंगस्टर ने व्यापारी दे पैर विच गोली मार के उस नू कार विचों सुट दिता सी ते खुद फरार हो गई सी। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਵ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਤਿਨ, ਪਰਮਜੀਤ, ਮੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿੱਤਯ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ PMA ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।